प्रिय छात्रों, एक बार मैं फिर से लेकर उपस्थित हूँ कक्षा 10वीं के हिंदी के पद्य खंड में संकलित पंडित राव नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय। तो प्रारंभ करते हैं। जीवन परिचय। पंडित राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 ईस्वी में जौनपुर जिले के अंतर्गत कोइरीपुर नामक गांव में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी एक ईश्वर भक्त ब्राह्मण थे। राम नरेश त्रिपाठी की प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई। उसके उपरांत ये जौनपुर अंग्रेजी पढ़ने के लिए चले गए, परंतु आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उनको बीच में ही अपना अध्ययन छोड़ देना पड़ा। त्रिपाठी जी केवल हिंदी के ही नहीं अपितु अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला और गुजराती के भी विद्वान थे। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रचार मंत्री के रूप में कार्य किया। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार के लिए उनका परिश्रम सराहनीय है। त्रिपाठी जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। महात्मा गांधी के संपर्क में आकर उन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया और जेल भी गए। राम नरेश त्रिपाठी की मृत्यु सन 1962 ईस्वी में हुई थी। रचनाएं। पंडित राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं निम्नलिखित हैं। पथिक, मिलन, स्वप्न, मानसी, ग्राम्य गीत इत्यादि। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इनके पद्यांशों की व्याख्या लेकर प्रस्तुत होंगे।